अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपनी इस वीडियो में मैं बना रही हूँ मुतंजन राइस। ये शादी ब्याह के मौका पर या बेस्ट ओकेजन पे बनाए जाते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा किलो चावल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने साफ करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। दो जग इसमें पानी यूज़ होगा। हाफ मग ऑफ शुगर यानी कि तकरीबन ये 1.5 पाव चीनी है। 1 कप कुकिंग ऑयल, 7 से 8 गिरियां बादाम की, इन्हें भिगो के मैंने रख दिया है और इसका छिलका मैं उतार लूँगी। 1 प्याली गिरी लंबाई में कट की हुई, थोड़े से पिस्ते। ड्राई फ्रूट्स में पिस्ते ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर लें। काजू, बादाम बारीक कट किए हुए गार्निश के लिए, रसगुल्ले डिफरेंट कलर्स के, इसमें फूड कलर यूज़ होगा ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर एंड मेहरून कलर। इलायची के दाने और 1 गिलासी दूध, तकरीबन 4 टेबल स्पून, इससे चावल नरम रहते हैं। सबसे पहले हम चावलों को उबाल लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं पानी ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। एक जग इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था, एक जग और ऐड करूँगी और इसे कवर करके हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हमने नमक या कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना है। 10 मिनट के लिए इसे मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया था, ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूँगी। चावल पूरा मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे। राइस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्सअप करके थोड़ी देर के लिए इसे मैं कवर करके रख दूंगी। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे कवर करके रखा था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखिए ये पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे बगैर कवर किए पकाएंगे। ये देखिए ये दम पे रखने के लिए तैयार हैं। हम इसे छलनी से छान लेंगे, सारा पानी निकाल देंगे इसका छलनी में। राइस को मैंने अच्छी तरह छान लिया है छलनी में। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और इस बर्तन में सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम अब हम इसके नीचे हाई रखेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर इलायची के दाने ऐड करूंगी। और इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। इलायची के दाने फ्राई हो गए हैं, अब हम इसके अंदर बॉयल्ड राइस ऐड करेंगे। फ्लेम हम एक दफ़ा इसके नीचे लो कर देंगे। पहले हम राइस की एक पैन लगाएंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर चीनी ऐड करेंगे। चीनी के बाद अगेन हम इसमें राइस ऐड करेंगे। सारे राइस इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे सारी। फ्लेम इसके नीचे मैंने अगेन हाई कर दिया है और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जो हमने शुगर ऐड की है उसकी वजह से थोड़ा पानी इसमें हो जाता है, तो पहले हम उसे ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पे।
राइस का पानी हमने ड्राई होने के लिए रखा है, तब तक हम फूड कलर में पानी ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पानी ऐड करना है ताकि ये कलर ड्राई हो, ताकि ये कलर गीले हो जाए और इजीली हम इसे यूज़ कर सकें। ये देखें इनकी शेड्स चेंज हो गई है, रेड कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर एंड येलो कलर। ये देखें इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर कलर ऐड करते जाएंगे, पिंक कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, एंड येलो कलर। ये कलर ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम दूध ऐड कर देंगे स्पून की मदद से, ताकि राइस हमारे नरम रहे। दूध ऐड करने के बाद इसे मैंने दम पे रखने के लिए तवा इसके नीचे मैंने रख दिया है। इसके ऊपर अब मैं गिरी ऐड करूँगी। पिस्ता ऐड करूँगी। काजू ऐड करेंगे हम। और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर बादाम ऐड कर दूंगी, जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था। छिलका मैंने इनका उतार लिया है, आप सिंपल भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे कवर करके दम पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ढक्कन को मैंने रुमाल से कवर कर दिया अच्छी तरह और फ्लेम हम इसके नीचे लो रखेंगे। बीस मिनट का ऐसे मैंने दम दिया था, फ्लेम इसके नीचे मैंने बंद कर दी है। अब हम इसे कवर आउट करेंगे। कवर आउट करने के बाद इसे मिक्स करेंगे हम, ताकि कलर इसका अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मज़ेदार राइस की रेसिपी बन के तैयार है। मुतंजन राइस को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर रसगुल्ले ऐड करेंगे। अगर आपको ये पसंद हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर कट किए हुए बादाम ऐड कर देंगे। सो व्यूअर्स, मज़ेदार मुतंजन राइस की रेसिपी बन के तैयार है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें। जो तरीका आज मैंने आपको इसका बताया है वो इजी है, आप इसे इस तरह बनाएं, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो से आप अपडेट होते रहें। अल्लाह हाफिज़।